गाइस आपने भी जो स्क्रीन पर वीडियो देखा उसी टाइप का वीडियो आज हम आपको बना के दिखाने वाले। इस टाइप की वीडियो भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ओके, तो गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और फोटो और वीडियो जो भी इफेक्ट होता है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ओके, तो ज्वाइन कर लेना। और गाइस मैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही वाला अलाइट मोशन आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इस वाले अलाइट मोशन की लिंक दे दूँगा। ओके, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस यहाँ पे अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे फर्स्ट बार अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने बाद जस्ट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सॉन्ग बीटमार्क का जो प्रोजेक्ट लिंक मिलता है उसको ओपन कर लीजिएगा। ओके, ऐड कर लीजिएगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरह सॉन्ग बीटमार्क का प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सॉन्ग के साथ में बीट लगाओ और एक ग्रुप प्रीसेट। तो सबसे पहले अपने को फोटोज़ को ऐड करना। ओके, तो यहाँ पे आना। ओके, फोटो ऐड करने के लिए अपने को 3.14 सेकेंड पे आने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। मीडिया में जाना, जिस फोटो का वीडियो क्रिएट करना उस वाली फोटो को ऐड करना। ओके, फोटो को ऐड करने के बाद इसकी लेंथ को अपने को एंड तक बढ़ा लेना इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना और यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना, फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगर फोटो को अच्छे से एडजस्ट करना है तो मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से इधर उधर आप अपने हिसाब से स्क्रॉल करके एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से फोटो को ऐड करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, एक शेप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद एडिट शेप वाले ऑप्शन पर आ जाना। अब यहाँ पर ऊपर जो वाई लिखा उस पर आ जाना। ओके, यहाँ पर आने के बाद अपने को यहाँ पर कर लेना है 600। ओके, कुछ इतना करने के बाद यहाँ पे इधर स्क्रॉल करना है, जो वाई लिखा है वहाँ पे अपने को कर लेना 110। ओके, कुछ इतना करने के बाद राइट पे क्लिक कर देना। उसके बाद अपने को मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाना, इसको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इतना ऐड करने के बाद अब अपने को कलर फिल वाले ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और जो ब्लैक कलर है वहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने को यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करना और वाइट कलर है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस कलर को अपने को यहाँ पे इस तरह से हटा देना है, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से सिलेक्ट करके रखना और इस तरह से यहाँ पे इतना शेडो बनाना है अपने को। सो इस तरह से ऐड करने के बाद बैग आ जाना, इसकी लेंथ को एंड तक बढ़ा लेना है, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद बॉर्डर एंड शेडो का ऑप्शन है, यहाँ पे शेडो को थोड़ा सा इनेबल कर लीजिएगा और इसको थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है, 30%। ओके, इसके बाद जैसा है वैसा ही रहने देना। ओके, कुछ इतना कर लेना। अब यहाँ पे ये ग्रुप बन के रखा हो इस वाले ग्रुप को यहाँ पे ऑन कर लेना है, ठीक है, बंद है तो इसको ऑन कर लीजिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इस वाले ग्रुप पे क्लिक करना, ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे अनग्रुप का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना तो ये ग्रुप यहाँ पे पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से अपने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है नीचे, जो टेक्स्ट में बंद करके रखा हूँ इन दोनों को इस तरह से क्लिक करके ऑन कर लेना है तो ये टेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करना। सो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अपने को वापस से बैग आना और टेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो गाइस टेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना और सभी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से एंड कॉपी कर लेना है। सो कॉपी करने के बाद वापस से बीटमार्क को आ जाना, प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। ओके, सो बीटमार्क को ओपन करने के बाद वापस से इधर स्क्रॉल करना जहाँ से अपन ने फोटो को ऐड करी। ओके, यहाँ पे आने के बाद वापस उन्हीं सभी को पेस्ट कर लेना है तो ये सभी इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, जो टेक्स्ट है ना वहीं पे इस वाले अपने को शेप को एडजस्ट करना, शेप को सिलेक्ट करना और इसको नीचे मूव ट्रांसफर में आने के बाद अच्छे से टेक्स्ट के बीचों बीच ऐड कर लीजिएगा। ओके, कुछ इतना कुछ इस तरह से कर लेना और मूव ट्रांसफर में जाने के बाद वापस शेप को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इतना। अब अपने को सॉन्ग लेयर्स को लिखना है, ठीक है। सॉन्ग लेयर्स को लिखने के लिए सिंपल सा टेक्स्ट वाले जो लेयर होता है उस वाले लेयर को सिलेक्ट करना, डबल एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन, उस पर आने के बाद यहाँ पे सॉन्ग को लिखना है तो मैं सॉन्ग को ऑलरेडी सुन के रखा हूँ तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। लैला वोल्ट है फ़ॉन्ट का नेम, ये वाली फ़ॉन्ट है इस, और राइट पर क्लिक करना है, यहाँ पर सॉन्ग को लिखना है तो मैं लिख लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस तरह सॉन्ग लेयर्स को लिख लिया हूँ। कुछ इतना लिखने के बाद राइट पे क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसकी लेंथ को यहाँ से कट करने के लिए इस वाले लेयर को सिलेक्ट करना और यहाँ से इसको डिलीट कर लेना है और नीचे वाले टेक्स्ट पीएनजी वाले लेयर को सिलेक्ट करना, स्पीड में जाना और यहाँ से इसकी स्पीड भी कम कर लेना है। कुछ इस तरह से करने के बाद इन दोनों टेक्स्ट वाले लेयर को इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना और कॉपी टू लेयर कर लेना। नेक्स्ट बिट पे आने के बाद वापस से पेस्ट टू लेयर कर लेना। तो सिंपल सा बाकी इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए सिंपल सा उसी लेयर को सिलेक्ट करना, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से इसकी दोनों को लेयर को बढ़ा लेना। ओके, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको बढ़ा लेना। वापस से सॉन्ग लेयर्स को लिखने के लिए उसी लेयर को सिलेक्ट करना, डबल एडिट टेक्स्ट में जाना, इसको डिलीट करने के बाद सॉन्ग को लिखना है। तो इसी तरह से आप सभी लेयर लिख लीजिएगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ।
सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस तरह से सॉन्ग को सुन सुन के सभी लिरिक्स को लिख लिया हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिखने के बाद अपना वीडियो यहाँ पे बैठ के रेडी हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ।